पॉलिटिक्स से मेरे कुछ संपर्क ज्यादा ही हैं। वहां एक नेता पैदा हो गए, उन्होंने अपनी जीवित अवस्था मूर्ति लगवा ली। मैं समझ गया था इनका अंत काल आ गया। मूर्ति लगती तब जब आदमी वहां जीवित अवस्था मूर्ति लगी। राजस्थान के नेता बहुत अच्छे, एक ने भी नहीं लगवाई और न लगवाएंगे। अगर मैं ये ढाई पंक्तियां दो 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 पढ़ता हूं और आपका आशीष मांगता हूं, ये दोहे वहां तक पहुंच जाएंगे तो कोई नहीं लगवाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गिरूंगा साहब। राजनेता थोड़ी हूं मैं, कोई नेता थोड़ी हूं जो गिर जाऊंगा। मैं कभी हूं संभाल लूंगा मैं तो गिरने वाला। कि मूर्ति लगाने से नहीं बनती है पहचान, मूर्ति लगाने से नहीं बनती है पहचान, और न पंछी जानते कितना कौन महान। वे तुमसे नहीं डरेंगे, शीश पर बीट करेंगे। वे आह करो तो जोर से करो, वहां तक तो पहुंच जाओ। वे तुमसे नहीं डरेंगे, शीश पर बीट करेंगे। और ढाई पंखे से भी ज्यादा खतरनाक होता यही है जो मैं कह रहा हूं कि मूर्ति फजीते स्वयं के कभी न सकती देख। मूर्ति फजीते स्वयं के कभी न सकती देख, कर जाते हर मूर्ति का कुत्ते जल अभिषेक। यही है नियत तुम्हारी, सुन लो मिस यूपी वाली। यही बड़े शिष्ट तरीके से अंजाम करते यही है, यही है। कर जाते हर मूर्ति का कुत्ते जल अभिषेक। यही है नियत तुम्हारी, सुनो मिस यूपी वाली। यही है। और कुछ पंक्तियां पैरोडी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। अब की बार मैं गया तीन चार दिन यूपी में था, 20-20 घंटे लाइट कट रही है। मैंने पूछा कैसे जिंदा हो आप लोग भाई, किसी क्या इन्वर्टर है किसी क्या नहीं है। बोल सब रात में ऊपर छत पर निकल जाते, मच्छर भी काटते, पंखा आते, नींद आती है नहीं आती है। मैंने 3 बंद के पैरोडी ली।
स्वागत। वसीम साहब तो यूपी को बिलोंग करते हैं, मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी। घोड़ा आ गया, आपने संगम पिक्चर का भी सुना होगा, बोल दादा बोल संगम होगा कि नहीं? पुराने लोग बैठे हैं सब जानते होंगे, और नए लोग भी बड़े पसंदीदा है, वो उस गीत के जब आता है सुनते हैं। वार्तालाप है ये। कि तेरे मोटे हाथी और साइकिल वाले साथी का बोल माया बोल संगम होगा के नहीं? तेरे मोटे हाथी और साइकिल वाले साथी का बोल माया बोल संगम होगा के नहीं? अरे बोल माया बोल संगम होगा के नहीं? नहीं कभी नहीं। कि तुम दोनों की खींचतानी जनता पे ना झिलती है, ऐसी भी क्या बात हुई जो नहीं कुंडली मिलती है? अब यूपी का पेट दर्द कम होगा कि नहीं? बोल माया बोल संगम होगा कि नहीं? अरे बोल माया बोल संगम होगा कि नहीं? नहीं कभी नहीं। कि साइकिल वालों ने ना माया तेरे कपड़े फाड़े हैं, और न सप्पा के साणों ने तेरे खेत उजाड़े हैं। तो फिर बंद कभी ये उद्यम होगा कि नहीं? बोल माया बोल संगम होगा कि नहीं? अरे बोल माया बोल संगम होगा कि नहीं? नहीं कभी नहीं। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, कवि का दायित्व है कि तुम कि सपा और बस मिल जाए यूपी को आराम
मिले जिन हाथों में बंदूकें उन हाथों को काम मिले जिन हाथों में बंदूकें उन हाथों को काम मिले। अरे तुम दोनों के प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल माया बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल माया बोल संगम होगा के नहीं। जाओ ना क्यों सताते हो, होगा होगा होगा, ये अंत में ये होना है। एक कवि की भविष्यवाणी करता हूँ और कुछ पंक्तियां और अरे बिल्कुल बिल्कुल कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये पंक्तियां बहुत चर्चित हो गई पिछले दिनों। एक गीत आया तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, बहुत पॉपुलर गीत पता है, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगा बाज रे अपने नेता बड़े दगा बाज रे। कल मिले जी हमको भूल गए आज रे दगाबाज रे वोटों के मौसम में गिगिया तेरे रे आते पैरों में शीश झुकाते वोटों के मौसम में गिगिया तेरे रे आते पैरों में शीश झुकाते हर बुढ़िया को मैया कह देते झट से हर बुढ़े को बाप बनाते जाने कितने हैं मैया और बाप इनके जाने कितने हैं मैया और बाप इनके इनको खुद ना पता है ये पाप किनके इनको खुद ना जाने कितने हैं मैया और बाप इनके इनको खुद ना पता है ये पाप किनके इसलिए
इसलिए दोगुले हैं अंदाज रे दगा बाज रे दगा बाज रे अपने नेता बड़े दगा बाज रे होता क्या है हकीकत है ये हिंदुस्तान की कि कुर्सी के मिलते ही जनता को ठुकराते रम जाते घोटालों में सत्ता को वर लेते बेशर्मी धर लेते मस्त रहे घर वालों में इन जैसों ने देश ये बदनाम किया रे सारा धन भी स्विस बैंकों के नाम किया रे इन जैसों ने देश ये बदनाम किया रे सारा धन भी शिशु बैंकों के नाम किया रे हो गए कोड में जैसे खा दगा बाज रे दगा बाज रे और कभी कदाए तो फिर निर्वात तो मेरी आवाज पहुंच जाए एक भी परिवर्तन हो गया एक में भी समझूंगा मेरी लेखनी सफल हो कि मुझको इन नेताओं से इतना कहना है ऐसे मत काम करो रे